नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर आवासीय परिसर में व्यवसाय करने के उद्देश्य खोले गए ऑनलाइन अवैध क्लिनिक में आने वाले मरीजों की वजह से रहने वाले लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों के बेवक्त आने जाने से कॉलोनी का माहौल खराब हो गया है। जब इसकी शिकायत MDDA को दी गई तो क्लिनिक को आवासीय परिसर में खोलकर व्यवसाय करने को लेकर अवैध बताते हुए भवन स्वामी का नोटिस फरवरी 2023 को सील किए जाने को लेकर जारी कर इतिश्री कर लिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की ऊंची पहुंच होने के कारण MDDA पुलिस फोर्स ना होने की बात कहकर कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि डॉक्टर के पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है, ना ही उत्तराखंड में किसी प्रकार से रजिस्टर्ड है। जब संबंधित भवन स्वामी और क्लिनिक संचालक से इस बात करने के लिए कॉल किया, उन्होंने इस बात करने से मना कर दिया। उनका मानना है कि कुछ भी गलत नहीं है, इसकी छानबीन और जांच करने पर दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। कॉलोनी वासियों का मानना है कि सारी बुकिंग ऑन की जाती है, सारे मरीज प्रदेश से बाहर के प्रदेश से आकर कॉलोनी का माहौल खराब करते हैं। इनका कहना है कि अगर इस फर्जी कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन कर भवन स्वामी और डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतले जलाए जाएंगे। सर, ये आपका शुभ नाम? विवेक अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या मामला है आपका? ये हम 66 राजपुर रोड मधुबन होटल के सामने के यहाँ के निवासी हैं, और हमारे यहाँ पे आज से 6 महीने पहले एक कॉमर्शियल एक्टिविटी हुई है कि हम रेजिडेंस वालों के बीच में एक डॉक्टर ने यहाँ पर अपना हॉस्पिटल यहाँ खोल दिया है, और यहाँ पर दिन रात पेशेंट्स आते हैं और सारे पेशेंट्स आउट ऑफ उत्तराखंड के पेशेंट्स हैं। औरतें बच्चों का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, सुबह शाम चीखना चिल्लाना, बंदों का आना जाना होता है जिसके कारण आने जाने में तकलीफ होती है। अगर एक अच्छे नागरिक होने के कारण अगर आज हम ना बोलें कि रेजिडेंस के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो फिर कौन बोलेगा? डॉक्टर लोकल की रहने वाली है, लोकल के रहने के बावजूद भी वो अपने घर में काम ना करके दूसरी सोसाइटियों में जा जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि दूसरी सोसाइटी में क्यों जा रहे हैं, अपने घर में काम क्यों नहीं कर रहे, या कॉमर्शियल प्लेस में जगह लेके क्यों नहीं कर रहे। हमने इसके खिलाफ MDDA में कंप्लेंट भी करी है, MDDA ने इनको नोटिस भी दिया है और MDDA ने सीलिंग ऑर्डर भी जारी किए हैं। ये सीलिंग ऑर्डर की कॉपी है, और सीलिंग ऑर्डर जारी करने के बाद भी MDDA भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार हो रहा है। MDDA ये बोल देता है कि हमने ऑलरेडी लेटर जारी कर दिया है, अब जिसको जो करना है वो जना अपना काम करेगा, ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये किसका बोलना है? ये सचिव जी का बोलना है, MDDA सचिव का बोलना है कि हमारे पास ऊपर से प्रेशर है, हम इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऑर्डर की कॉपी निकाल दी। जी सर, अभी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे पूरी सोसाइटी की इन्होंने पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दी। ये खुद तो आते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं, और हम लोगों को यहाँ पूरा डिस्टर्ब कर दिया। पूरी सिक्योरिटी हमारी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, हम लोग सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, दिन में सारी फीमेल्स अकेले घर में होती हैं, कल को कोई हादसा हो। और इसमें पहले भी यही मकान पहले भी किसी को किराए पर दिया गया था, वो यहाँ पे फर्जी वीजा लगवा के लोगों को बाहर भेजते थे, उस पर पूरी रात पुलिस की कार्रवाई हुई और वो लोग आज भी जेल में 2-4 महीने 6 महीने ये मकान बंद रहा। अब उन्होंने फिर यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी है और हम लोगों को जीना हराम कर। तो आपका मानना है कि ये सामने जो डॉक्टर है जी, ये यहाँ के मकान मालिक है? नहीं, ये मकान जबकि ये किराएदार है, मकान मालिक से संपर्क किया, वो कहती है जी आपको जो करना हो आप कर लो। मकान मालिक कहाँ रहते हैं ये? मकान मालिक कोई आर्मी में ऑफिसर है जी, वो उसका यही नहीं पता चलता कहाँ पे रहती है, उसके सिर्फ हमारे पास फोन नंबर है। फोन पे उसने हमारे को भी एक तरीके से थ्रेट किया कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप क्यों इसमें बीच में डिस्टर्ब करते हैं। हम तो अकेले दिन भर यहाँ रहते हैं और उनके इतने सारे पेशेंट बच्चे 3-3 घंटे इतनी जोर जोर से रोते हैं कि दिल दहल जाता है, पता नहीं कैसे कैसे। चलो जिसको जो भी बीमारी है वो तो वो दिखेगा, कोई भगवान की दी हुई है, लेकिन ये तो हम क्यों सहें, हम क्यों इस चीज को करें कि वो 3-3 घंटे बच्चे रोते रहते हैं इतनी जोर जोर से, वो जो भी इलाज करते हो ये हमारा तो कोई वो नहीं है ना, हम क्यों सहें। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ से बंद हो और ये यहाँ से जाए, और ये यहाँ से जाए जो भी है रेजिडेंशियल एरिया। हमने मना नहीं किया, रेजिडेंस एज अ रेजिडेंट डॉक्टर आके रहना चाहती है, रहना बिल्कुल कोई मना नहीं है। हम तो चाहते हैं एक परिवार आएगा, परिवार के बीच में रहेगा, बट कॉमर्शियल एक्टिविटी करोगे परिवार के अंदर, 20-22 मकान की सोसाइटी है उसके अंदर आके आप करोगे तो क्यों सोसाइटी में गंद का माहौल आप घोल रहे हैं? एक अच्छी सोसाइटी है, पीसफुल सोसाइटी है, और यहाँ सारे लोग जितने भी रह रहे हैं यहाँ 15-15, 20-20 साल से लोग रह रहे हैं, सबके अपने मकान है, केवल एक ये मकान है जो बिकता रहा है बारी बारी, और जब से इनके पास आया है और इनकी कोशिश ये रही है कि हमेशा कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ करने की कोशिश करें क्योंकि इनको किराया कॉमर्शियल में ज्यादा मिलता है। और दिन भर इनके कई अपने वर्कर भी आते रहते हैं, कोई खाली 2 लड़कियां यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं,
चाहे वो इनकी वर्कर, उसके पास दिन भर इनके कोई ना कोई वर्कर आते रहते हैं, तो भीड़ तो है ही और अनजान आदमी। अब अगर एक सोसाइटी के अंदर बाहर से लोग आएंगे, आज एक अच्छे नागरिक का क्या फर्ज बनता है कि कोई सोसाइटी के बाहर से आए अगर वो रेकी करेगा और कल किसी के यहाँ हादसा हो जाए तो कल यही सरकार और यही शासन हम पे दोष लगाने वाला है। आप पढ़े लिखे लोग होके आप अपडेट नहीं कर सकते थे। मुझे तो ये भी डाउट है कि यहाँ किरायनामा सरकार के पास दर पुलिस थाने में रजिस्टर्ड हुआ भी है नहीं हुआ, सत्यापन की कार्यवाही हुई भी है नहीं हुई है, और क्यों यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। कल कोई हादसा हो गया तो क्या यही शासन ये पुलिस हमारे को सपोर्ट करेगी? आज हम सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि आप फ्यूचर में होने वाली किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करें। हम जानते हैं इस तरह की एक्टिविटी पहले भी देहरादून शहर में बहुत जगह हुई है। कोई भी मतलब आके दीवार टाप के आ सकता है, घर में छोटे बहू बेटे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो सब ठीक नहीं है यहाँ पे। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब बंद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।